Hi guys, welcome to my channel Dr. Mulberry. Here I will talk about fashion, DIYs and blogs. If you like my content, please give it a thumbs up. You can also share and do subscribe for further more videos. Hi guys and welcome back to my channel Dr. Mulberry. So, बहुत दिनों बाद आई हूँ guys, आप लोगों के लिए एक नई रूटीन लेके and that is my pampering routine. So आज जब मैंने सोची कि बहुत दिनों बाद यार कुछ time मिला है अपने आप के लिए, so इसीलिए मैंने सोची कि यार कर लेते हैं, थोड़ा pampering कर लेते हैं अपने आप को, क्योंकि ये week ना बहुत hectic गया है. मतलब college खुल गया है अभी तो, और यहाँ वहाँ दौड़ भाग के मेरी तो पूरा हालत ख़राब हो गया. तो इसीलिए मैंने एक पैम्परिंग रूटीन कर लिया अपने आप के लिए, और ये वाली पैम्परिंग रूटीन ना पिंक में होने वाली है. सो और एक बात कि मेरी हिंदी ना बहुत वीक है. मैं हिंदी भी नहीं बोल सकती हूँ, मैं इंग्लिश भी नहीं बोल सकती हूँ, और मुझे तो लगता है मैं शायद ठीक ठाक से बंगाली भी नहीं बोल सकती हूँ यार. तो थोड़ा पार्डन कर देना. हाँ, कमेंट सेक्शन में ऐसे बार बार नहीं लिखना कि तुम्हारा ग्रामर ठीक करो, कि हिंदी का ग्रामर ठीक करो, एक्सेंट ठीक करो, क्योंकि यार मुझे नहीं आता है. सो फाइनली इट्स हियर एंड दिस इज माय पिंक पैम्परिंग रूटीन. एज यू कैन सी, बहुत सारी चीज़ें मैंने ये सब कलेक्ट किया है. मेरे पास नहीं था सब कुछ, क्योंकि यार सब चीज़ पिंक कौन लेता है. तो इसीलिए आज इस वीक मैंने कलेक्ट की है. बहुत सारी चीज़ें था मेरे पास ऑलरेडी, और बहुत सारी चीज़ें मैंने ये इधर उधर जाके स्पेंसर में जाके या पास वाली जो ज्वेलरी शॉप है वहाँ पर जाके सब जगह जाके कलेक्ट किया है. तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है, और फिर मैं अपनी रूटीन स्टार्ट करूँगी. तो विदाउट फादर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. ये भी मैंने शॉपिंग करते वक्त खरीद ली थी, और ये भी फियामा की भी है, पर ये जेल है. इसका कलर बहुत अच्छा लगता है यार, पूरा स्पार्कली है. देखो इधर पे नजर आ रहा है कि नहीं, नहीं पता है, जस्ट है ना पूरा स्पार्कली एकदम. ओके, सो इसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ एक शैम्पू. तो पिंक शैम्पू मार्केट में ऐसे इजीली अवेलेबल नहीं है, तो मैंने नायका में सर्च की थी, तो वो मुझे एक जॉनसन बेबी का दिखा दिया पिंक कलर का. तो अभी जॉनसन बेबी यूज़ करने का तो उम्र नहीं रही है, अब इतना सॉफ्ट सॉफ्ट हेयर भी नहीं रही है. अब तो जॉनसन बेबी तो मतलब कुछ काम नहीं करेगा मेरे हेयर पे. और जो पूरा वीक भर का जो है ना, जो काशीपुर का ऐसे डर्ट पॉल्यूशन और जो भी है, तो वो इस बेबी शैम्पू से नहीं जाएगा. तो इसीलिए मैंने ले ली है एक बहुत ही अफोर्डेबल छोटू सा बॉटल खरीद ली है इसका. ये है सनसिल्क का पिंक वाला शैम्पू, जिसमें लिखा है ल्यूशियसली थिक एंड लॉन्ग शैम्पू. तो इसका जो सबसे छोटा वाला पैकेट है और छोटा वाला जो साइज आता है, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ आज. नेक्स्ट चीज़ें ये तो दोनों हो गई मेरी स्किन एंड बॉडी के लिए, और जो थर्ड चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ इन माय पिंक पैम्परिंग रूटीन, वो है ये वाली फेस वॉश.
वैसे तो बायोटेक का जो बायो वाइट फेस वॉश होता है ना, तो उसका कलर आई थिंक मोर पिंकिश है इससे। ये थोड़ा लाइट पिंक कलर का है क्योंकि इसमें हनी दिया हुआ है, ऐसा बोलते हैं, तो हनी का कलर लाने में ये लोग थोड़े ऑरेंजिश बना दिया है इस चीज़ को। पर आप अगर ये देखें तो आपको मालूम होगा ये पूरा लाइट पिंक कलर का है ना, बेबी पिंक, जो पीची पिंक कलर होता है उस कलर का है। फेस वॉश के बाद आता है स्क्रब, जो कि मेरे पास नहीं है। पिंक कलर का स्क्रब, आई डोंट नो किसका होता है। पैम्परिंग रूटीन में सबसे पहले जो आता है वो है एक फेस पैक। इसको लगा के ना, दो क्यूकम्बर और जो भी आपको पसंद है, जो दो स्लाइस आपके आँख के ऊपर रख के जस्ट सो जाओ, सो जाओ 10 10 मिनट के लिए, ठीक है? क्योंकि उसमें जो विंटर है ना, इस सीजन में बहुत जल्दी ड्राई होता है, तो इसीलिए मैं ले रही हूँ अब बायोटेक का ये बायो फ्रूट वाला फेस पैक। बहुत सही चीज है और ये ना पूरा पिंक कलर का है। मैं जब अप्लाई करूंगी तो आप लोग देखिएगा, पूरा पिंक कलर का हो जाएगा फेस। मतलब बंदर जैसे लगूंगी वो तो ठीक है, पर ये जब निकालूंगी ना तो आई थिंक अच्छा इफेक्ट आने वाला है यार। मैंने ये यूज़ करी है पहले, ये मुल्तानी मिट्टी से होता है, और जिन लोग को मुल्तानी मिट्टी नहीं पसंद है तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगी। बाद हम ले लेंगे एक टोनर, क्योंकि टोनर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन पैम्परिंग। बहुत ठंडा ठंडा एक कूलिंग सेंसेशन होता है समर सीजन में। तो टोनर लगाने में ना जो मज़ा आता है वो और किसी चीज़ में नहीं आता है। तो सबसे फेवरेट पार्ट है इन समर सीजन आफ्टर फेस पैक इज़ द टोनर। गुड वाइब्स का ये रोज़ ग्लो टोनर, इससे अच्छा क्या होगा यार। मैं दिखा देती हूँ, अगर बहुत सारे लोगों को शक होगा कि यार ये शायद रोज़ वाटर है, तो अगर आप लोग डाबर का गुलाबरी वाटर यूज़ करे हो तो आप लोग को लगेगा कि ये तो भैया ट्रांसपेरेंट हो गया, कलरलेस हो गया। तो नहीं, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये पूरा पिंक कलर का है। आप लोग देखिए, नो इफ इट इज विजिबल और नॉट, तो ये पूरा पिंक कलर का है यार। ये है लैक्मे का अल्ट्रा लाइट जेल, और मैं दिखा देती हूँ, ये पूरा पिंक कलर का है। ना पूरा लाइट पिंक कलर का, इसका फ्रैग्रेंस, इसका कलर, इसका टेक्सचर, इसका जो भी है, तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है। सीरम भी यूज़ नहीं करनी पड़ती है इसके नीचे, क्योंकि ये बहुत लाइट है। तो समर सीजन में क्या होता है ना, हम लोग मॉइस्चराइज़र नहीं लगा पाते, तो ये बहुत सही का चीज़ है। और ये तो पैम्परिंग रूटीन में हर किसी के पास होना चाहिए, क्योंकि यार ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग है। लाइक आफ्टर यू अप्लाई दिस थिंग, योर स्किन विल फील सो सूदिंग। मतलब समर सीजन में अच्छा है ये चीज़। और इसके बाद है एक लिप केयर प्रोडक्ट ऑब्वियसली। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मेबिलिन का ही बेबी लिप्स इन द शेड पिंक लॉलीटा। ये पूरा पिंक कलर में आ जाएगा।
ये कलर मुझे बेसिकली बहुत पसंद है बचपन से, मतलब बचपन से नहीं, व्हेन आई वाज 18, सो तब से पसंद है ये मुझे, क्योंकि 18 से पहले ना मम्मी ये सब चीज़ें खरीद के नहीं देती थी। तो एक बॉडी लोशन जो कि पिंक में मैंने बहुत खोजी थी पर नहीं पाई, तो क्या करूँ यार, इसलिए मैंने एक पिंक जैसा जो कि मतलब कि बॉडी पिंक है पर जो प्रोडक्ट है वो पिंक नहीं है, ले ली है पॉन्स का ये ट्रिपल विटामिन सिल्की स्मूथ स्किन बॉडी लोशन। बहुत सही चीज़ है यार, मुझे इसका और एक ये वेजलिन का एक कोकोआ ग्लो है, ये दोनों का फ्रेग्रेंस तो बहुत ज़्यादा पसंद है। यही है आज का पैम्परिंग रूटीन। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इसको शेयर कर देना यार अपने फ्रेंड्स में, अपने जो भी है ऐसे फ्रेंड्स को शेयर करना जो कि ये देखने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, और हाँ कमेंट भी कर देना अगर अच्छा लगा तो, और अगर आप चाहे कि मैं यही वाला रूटीन किसी और कलर के साथ करूँ लाइक रेड और येलो और पर्पल, सो यू कैन ऑलवेज कमेंट बिलो। एंड हाँ इसको ना अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार जल्दी जाओ यार, अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल नोटिफिकेशन में एक हिट कर देना कि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोग को ये मिस ना हो और आप लोग देख सकें और मेरा थोड़ा यू नो हेल्प हो सके। तो हाँ इसके साथ ही मैं आज का ये पिंक पैम्परिंग रूटीन एंड करती हूँ। आई होप यू हैव एंजॉयड इट, यू हैव लाइक्ड इट, एंड ये पिंक पैम्परिंग रूटीन करने के बाद मेरे फेस में कैसा ग्लो आया है ये मैं अभी दिखाती हूँ आप लोग को।